अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कश्मीरी स्टाइल मिर्ची कुर्मा। तो यहाँ पे जो मैंने मीट है वो मैंने बॉईल करके रख दिया था। इसका जो सारा वेस्ट होता है, जो इसका वेस्ट निकल जाता है, वो मैंने सारा डिस्कार्ड कर दिया है। बॉईल करने से सारा वेस्ट जो होता है वो बाहर निकालना होता है। तो इसी के साथ ये मैंने यहाँ पर 2 kg मीट लिया हुआ था, फैटी मीट। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने मिर्चियों को पानी में पहले भिगो के रख दिया था और फिर मैंने उबाल लाया मिर्चियों को। उसका मैंने अब मिक्सी में जो है वो मैंने जूस निकाला हुआ है, जो बाकी का था वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया। इसी के साथ यहाँ पे मैंने अनियंस लिए हैं फ्राई करके, और इनको भी मैंने मिक्सी में इनको ग्राइंड किया है। ये हम शलॉट्स के बदले यूज़ करते हैं, जिसको हम कश्मीरी में प्रान बोलते हैं। तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो इसी के साथ अब मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है ये वाटर जो है मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी यहाँ पे मीट के साथ। मीट को मैंने फ्राई कर दिया था, इसको बहुत टाइम हुआ फ्राई होते हुए। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा ये पानी इसमें ऐड करूँगी, ताकि इस मीट में इन मिर्चियों का टेस्ट थोड़ा बहुत जाए। तो इसी के साथ अब मैंने यहाँ पे अनियन का जो पेस्ट रखा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इनको कुछ और टाइम तक फ्राई करेंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, वो भी मैंने इसमें डाला। और मैंने यहाँ पे मसाले लिए हैं, टर्मरिक, सौंफ और रेड चिली पाउडर, ये भी मैं इनमें डालूँगी। और इनसे इनको भी मैं अच्छे से स्टेयर करूँगी। सॉरी, यहाँ पे लाइट बहुत कम थी तो इसीलिए आप इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं, लौंग, दालचीनी, इलायची, वो मैं इसमें डाल दूँगी। मसाले ऐड करने के बाद मैं ये अब ढक के रखूँगी। आप यहाँ पे स्टीम भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट के बदले ये जो है नारियल चॉप किया हुआ डाला है इसमें, तो आप और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। तो अब कुछ टाइम पक, इसको बहुत टाइम हुआ है पकते हुए, हमें इसको तब तक पकाना है। और पानी और सॉल्ट भी यहीं पर हमें ऐड करना है अपने टेस्ट के हिसाब से, पानी भी उतना ऐड करना है ये सारा कवर हो जाए। तो लास्ट में इसमें मैंने डाली हुई थी जीरा, और मैंने बड़ी इलायची कूट के डाली थी इसमें। तो फाइनल रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है, जस्ट हैव अ लुक। तो ये हमारी फाइनल रेसिपी है। आप इसको ये वाजवान स्टाइल है, आप इसको ज़्यादातर हम यहाँ पे कश्मीरी राइस के साथ खाते हैं ये, तो आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो।